विकास की अवस्थाएं। देखिए, विकास की जो अवस्था है इसको जो है कुल मनोवैज्ञानिकों ने कुल 10 भागों में बांटा। नंबर 1, पूर्व प्रसूत काल। ये जो आपका है गर्भधारण से लेकर जन्म तक तकरीबन 280 दिन। दूसरा जो आपका है वो इन्फेंसी एज, शैशवावस्था। शैशवावस्था एक दिन से लेकर के 14 दिन तक, इसी को समायोजन की अवस्था कहते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जिस समय हमारे यहाँ जन्म होता है बच्चे का, तो महिलाओं को जो है अलग रख दिया जाता है। कारण होता है ना, बहुत ज़्यादा बच्चा प्रकाश नहीं देख पाता है, बहुत ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत तेज़ लाइट नहीं देख सकता, बहुत तेज़ साउंड नहीं सुन सकता, ये सब उसको दिक्कत आती है। इसीलिए वो 10-12 दिन 14 दिन के लिए उनको अलग रख दिया जाता है। और आपको अगर मालूम होगा तो शुरुआत में जो होता है बच्चा सिर्फ सफ़ेद और काला रंग ही पहचानता है, उसके बाद जो है 2 महीने के बाद जो है वो लाल रंग जो होता है वो सबसे पहले पहचानता है। जानते रहिए, बहुत नहीं पूछा जाता ये। उसके बाद है आपका बचपना अवस्था। बचपना अवस्था आपका 14 दिन से लेकर 2 साल तक। बचपना अवस्था 2 सप्ताह से लेकर के चलता है आपका, 2 सप्ताह से लेकर के 2 साल तक। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इसके बाद एक और अवस्था आती है जिसको हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ये आपका चलता है, अच्छा, 2 से लेकर के 10-12 साल तक। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को नहीं मानता, कहने का मतलब है कि जो मनोवैज्ञानिक बचपना अवस्था को नहीं मानता वो शैशवावस्था को जो है वो 1 दिन से लेकर के 2 साल तक मानता है। उसके बाद आपका शुरू होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपका 2 साल से लेकर के 10-12 साल तक। 10-12 क्यों लिखा गया है, कारण इसके पीछे है लड़कियों में ये 2 से 10 साल तक, लड़कों में लेकर ये जो है 2 से लेकर के 12 साल तक चलता है। लड़कों में 12 साल तक, लड़कियों में जो है ये 10 साल तक चलता है। बनाना चाहें तो बना लें। इस बाल्यावस्था को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। ये जो चलता है 2 से लेकर के 6 साल तक, और ये चलता है 6 से लेकर के 10 साल तक लड़कियों में, और 6 से लेकर के 12 साल तक लड़कों में। अगला आपका है तारुण्यावस्था। या प्राक किशोरावस्था।
ये भी लड़कियों में चलता है 11 से लेकर के 13 साल तक, और लड़कों में चलता है 12 से लेकर के 14 साल तक। उसके बाद आपका है प्रारंभिक किशोरावस्था, मिटा दें इसको। इसके बाद आपका है प्रारंभिक किशोरावस्था, ये चलता है 13-14 से लेकर के 17 साल तक। ध्यान दीजिए, यहाँ लड़के और लड़कियों का जो है ये प्रारंभिक किशोरावस्था में आकर के एज जो होती है वो बराबर हो जाती है। अगला आपका है परवर्ती किशोरावस्था, परवर्ती किशोरावस्था, ये आपका चलता है 17 से लेकर के 19, या कभी कभी ये 1-2 साल आगे हो जाता है 19 से लेकर के 20 साल तक। अगला आपका है वयावस्था, वयावस्था आपका चलता है 21 से लेकर के 40 साल तक। फिर मध्यावस्था, ये चलता है आपका 40 से लेकर के कहाँ तक, कितना, अरे जाने दीजिए और क्या, 40 से लेकर के 60 तक। उसके बाद आपका है वृद्धावस्था, और इसी को कहते हैं साठिया अवस्था। सुना होगा ये बहुत प्रचलित नाम है, साठिया अवस्था। ये चलता है आपका 60 से लेकर के, राम नाम सत्य है, मरने तक। 10 भागों में इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है, क्योंकि हम लोग अध्ययन की दृष्टि से सिर्फ हम लोग उत्तर प्रारंभिक किशोरावस्था तक पढ़ते हैं, बाकी परवर्ती किशोरावस्था भी हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। 18 साल 19 साल तक ही बच्चों के लिए हम लोग पढ़ा जाता है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है आपने उसको देखा होगा ना, तो वो हाई स्कूल तक जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड मांगता है, इंटर पढ़ाने के लिए पीजीटी के लिए बीएड वीएड कुछ नहीं मांगता। कारण इसके पीछे ये है कि हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ाया सिखाया जाता है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज अगर वो करंट एजुकेशन सिस्टम आप देखेंगे तो क्या है, शुरू से पढ़ाया जा रहा है। आपने अगर बहुत ध्यान से देखा होगा कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे जो है वो रोमन अंक पढ़ते हैं, रोमन अंक पता होगा ना ये वाला, अब तक मेरी समझ में नहीं हुआ आया कि इसका यूज कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, पहाड़ा लिखते हैं इससे, बहुत करेंगे पॉइंट डाल लेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब बालक शैशवावस्था, हमने इसको पढ़ा था 8 या 9 में हमने पढ़ा था, 8 में याद नहीं आ रहा, यही 8-9 में पढ़ा था। अब आप सोचिए, एक बार में हमको याद हो गया था, हम समझ गए थे किसी तरीके से लिखा जाता है, समझ गए थे। लेकिन शैशवावस्था का बच्चा क्या करता है, वो रटता है 1i1 2i2 3i3, इस तरीके से वो बेचारा रटता है, रोमन अंक रटता है। तो ये जो होता है यहाँ तक, इसीलिए जो है कि हम लोग ये पढ़ते हैं ना, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने का मूल कारण यही है, हम बच्चे की अवस्थाओं को जान सके और उसके बाद उसको कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना कि शिक्षा ये बताती है कि हमको क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान हमको बताता है कि कैसे पढ़ना है, और शिक्षा मनोविज्ञान हमको ये बताता है कब और कैसे पढ़ना, टाइम दिखाता है।
ऐसा नहीं है कि वो जब आप हायर कंटेंट लाएंगे प्राइमरी के बच्चे को देंगे या शैशवावस्था के बच्चे को देंगे, वो रटना शुरू कर देगा, उसको यही आता है। तो उसके बाद चूँकि ये इतना ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए हम इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट होम्स का नाम सुना होगा? चलिए नहीं सुना है तो हम तो है ये सुना है ना, नहीं सुना तब सही है, तब आप जल्दी समझ जाएंगे। इन्होंने शिक्षा की दृष्टि से, पढ़ाने की दृष्टि से इसको चार भागों में डिवाइड किया है। इसको हम लोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था बाल्यावस्था उसके बाद किशोरा उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था। लेकिन हम लोग पढ़ते कहाँ तक है? किशोरावस्था तक, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। तो जो सबसे पहली अवस्था हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। और जो सी टेट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शैशवावस्था में शिक्षा, क्योंकि अगर आप उसके प्रश्नों को देखेंगे तो अमूमन यही पूछता है कि इस अवस्था का बच्चा है इसको क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। तो हम लोग जो सबसे पहला पढ़ेंगे वो है शैशवावस्था, इन्फेंसी एज। आप जानते हैं कि ये इन्फेंसी जो है वो अंग्रेजी के इन्फेंट से बना है और ये अंग्रेजी का इन्फेंट लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? इन और फैरी। इनका मतलब होता है नहीं, नहीं ये अंग्रेजी वाला नहीं है, ये लैटिन वाला है। ये तो बताया ना कि ये इन्फेंट है अंग्रेजी का, लेकिन ये लैटिन भाषा से बना है दो शब्दों से मिलकर के, इन और फैरी। इनका मतलब होता है नहीं प्लस ये इसका मतलब होता है, फैरी का मतलब बोलना। कहने का मतलब है कि नहीं बोलने वाले को क्या कहते हैं? उसको गूंगा कहते हैं। हालांकि ये इसका वो एक्चुअल मीनिंग नहीं बना लिया, इसको बना लिया नहीं बोलना। देखिए ये जितनी भी अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ी या पढ़ेंगे, सॉरी जितनी भी अवस्थाओं को हम लोग पढ़ेंगे उसमें शैशवावस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका आप इसके अंदाज़ा ये लगाएं, ख़ास करके सीखने की दृष्टि से। आपने वैलेंटाइन का नाम सुना होगा, वो जो बीता है वो वाला नहीं, ये वो वाला है जो शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने कहा कि शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल होता है। ये पूछा गया था संभवतः यूपी टेट में, वो भी शायद जूनियर में पूछा गया था, कि याद नहीं आ रहा है कब पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था। किसने कहा है कि सीखने का आदर्श काल तो वो था वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था जो होता है वो सीखने का आदर्श काल होता है।
लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जो नहीं बोलने वाला काम होता है बच्चे का, वो लगभग 0 से 3 साल तक ही चलता है, क्योंकि 3 साल के बाद बच्चा जो है ठीक ठाक भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इसीलिए 3 से 6 साल की एज को क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था चूंकि अध्ययन की दृष्टि से हम लोग ये पढ़ने की दृष्टि से हम लोग इसको सिर्फ 4 भागों में डिवाइड करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इसलिए इसको हम लोग अलग से डिवाइड नहीं करते। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपसे पूर्व बाल्यावस्था पूछता है तो पूर्व बाल्यावस्था की जो एज है वो 3 से 6 वर्ष है। अगर हम लोग बात करें शैशवावस्था की विशेषताओं की, शैशवावस्था की विशेषताएं, देखिए शैशवावस्था हमने आपको बताया कि ये शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण काल होता है। तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो है शारीरिक विकास में तीव्रता, पहला पॉइंट। शारीरिक विकास में तीव्रता, देखिए शुरुआत के समय में शैशवावस्था के बच्चे में बहुत तेजी से विकास होता है, यहाँ तक कि उसके नए अंगों का उद्भव होता है, जैसे दांत आना, बाल आना, वो चलना सीख जाता है बहुत तेजी से। उसका हर विकास, जैसे हमने आपको जब वृद्धि और विकास पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि ये जो विकास होता है वो शुरुआत में तेज होगा, फिर मंद होगा, फिर तेज होगा, और ये इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहता है। तो ये जो आपका शैशवावस्था में जो जितने भी विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, वो बहुत तेज़ी से होते हैं। तो ये जो आपका शारीरिक विकास है ये बहुत तेज़ी से होता है, नए अंगों का उद्भव होता है, जैसे बाल आ जाते हैं, उसके दांत निकल आता है, ठीक से। उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है मानसिक विकास में तीव्रता। मानसिक विकास में तीव्रता से ऐसा ये है कि बालक में जो है ध्यान, स्मरण, कल्पना इत्यादि शक्तियों का विकास हो जाता है। और आपने वो ऐड देखा होगा ना जिसमें ये बताता है कि 5 साल तक के बच्चों का जो है वो मानसिक विकास 90% हो जाता है, जल्दी से उसको ये पिला दीजिए नहीं तो रुक जाएगा। सुना होगा, टीवी देखती होती है ना तब, सही है हाँ। तो ये बताता है, इसीलिए ये हम मानते हैं कि तकरीबन 6 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चे का जो दिमाग है वो अधिकतम तौल पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम विकास उसका जो है वो 6 वर्ष तक की अवस्था तक हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका सीखने में तीव्रता। बच्चा बहुत तेजी से सीखता है शैशवावस्था का, इसका अंदाजा आप ये लगाएं कि जितना बच्चा 0 से 6 साल में सीखता है उतना 6 से लेकर के 18 साल तक सीखता है। कहने का मतलब यह है कि 12 साल की लर्निंग एक तरफ और 6 वर्ष की लर्निंग एक तरफ, इतना तेजी से सीखता है। आप कुछ भी बताते हैं, आप देखिए कि शैशवावस्था का बच्चा तो बहुत तेजी से सीखता है, आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी बता देते हैं, वो तुरंत या आप बता के भूल जाते हैं, वो अपना गांठ बांध के रखे रहता है, बाद में आपको बताता है कि आपने यही बताया था हमको। अगला पॉइंट है दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चा जो कुछ देखता है या जो कुछ आप उसको कहते हैं वो तुरंत दोहराता है, तुरंत रिपीट करता है। आपने देखा होगा बच्चा खुद पैर छूता है, खुद ही आशीर्वाद दे लेता है, अपना बता देगा खुश रहो, जय रहो, जो भी है। उसके बाद आप देखें कि वो जैसे कि किस तरीके से आप चलते हैं, किस तरीके से आप बोलते हैं, किस तरीके से आप खाना खाते हैं, वो तुरंत बता देता है। नकल करने में बहुत तेज होता है, जैसे ही आप बताएंगे तुरंत तैयार। इसीलिए बच्चे के सामने कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं कि जो कि अच्छा ना हो, अटपटा ना हो, क्योंकि जैसे ही आप करेंगे वो तुरंत उसका कॉपी करना शुरू कर देगा। अगला पॉइंट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति।
आपने देखा होगा कि बच्चा जिसे हर चीज़ जानना चाहता है, जिसे आप उसको खिलौना देते हैं ना, वो तुरंत उसको तोड़ करके ये चेक करना चाहता है कि ये जैसे कि उसने ये देखा है कि घर पे गाड़ी आती है, पापा लेके आते हैं, चाचा लेके आते हैं, ड्राइवर लेकर आता है, तो जब उसको आप गाड़ी देते हैं तो वो परेशान हो जाता है कि यार इसको कौन चला रहा है। अब उस ड्राइवर को चेक करने के चक्कर में वो खिलौना अपना तोड़ करके देख लेता है। इसीलिए खिलौना जब बच्चा तोड़े तो उसको हम लोग डांट फटकार नहीं लगाते। हालांकि जब हम लोग इसमें शिक्षा पढ़ेंगे, ऐसा अवस्था में शिक्षा, तो हम बताएंगे कि बच्चों को डांटना फटकारना नहीं, क्योंकि ऐसा करने पे उनका मानसिक विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए देखिए शैशवावस्था का बच्चा होता है ना, बहुत ज़्यादा सवाल करता है। अब अमूमन जो है वो क्या का सवाल करता है कि ये क्या है, ये क्या है, या अमूमन कौन है, इस तरीके का सवाल करता है। लेकिन बाल्यावस्था में आता है तो पूछता है कैसे है, ये क्यों है, इस तरीके का सवाल करता है। शैशवावस्था का बच्चा क्या और कौन का प्रश्न करता है, क्या और कौन का प्रश्न करता है। अगला पॉइंट आपका है पर निर्भरता। पर निर्भरता, पर निर्भरता से आशय ये नहीं है कि वो कमाना उमाना शुरू करता है या नहीं कमा पा रहा है। पर निर्भरता से आशय है कि वो प्रेम, स्नेह और सुरक्षा के लिए जो है वो दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे कोई डांटता है वो दौड़ करके मम्मी के पास पहुँचता है, वहाँ अपना निपटारा नहीं करता है क्योंकि उसको पता है काम होने वाला नहीं है, वो भाग जाता है तुरंत कहीं ना कहीं। और उसके बाद कुछ भी हो वो अपना कपड़ा नहीं पहन पाता है, खुद से नहा नहीं पाता है, खा नहीं पाता है। तो ऐसी दृष्टि में जो होता है शैशवावस्था का बच्चा जो होता है वो पर निर्भर होता है। अगला पॉइंट है स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना, बच्चे को अपने आप से लगाव बहुत होता है। आप ध्यान दीजिए कि वो आधा बेड पे उतर जाएगा उसके बाद रोएगा, नीचे नहीं आएगा। या फिर होता है उसको अगर बेड पे चढ़ना है तो आधा चढ़ जाएगा, उसको पता है कि अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है गिर जाए। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप से बहुत प्रेम करता है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो फ्रायड ने इसके लिए कहानी बताई थी, एक नर्सिज्म इसी को कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, हम लोग जब थे बीएड में टेट दिए थे तो उसमें पूछा गया था कि नर्सिज्म की भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में होता है। इसी को हम लोग नर्सिज्म कहते हैं। इसी को नर्सिज्म कहा जाता है। कहा जाता है कि एक नरसिंह नाम का एक राजा था, राजकुमार, वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। एक बार वो झील में गया पानी पीने, तो उसने अपनी वो छवि देखी, आकृति देखी, तो खुद से प्रेम करने लगा। और जब वो पानी पी के निकला उसके बाद वो ढूंढना शुरू किया कि ये तो गया कहाँ, और वो मिला नहीं उसको। कहा जाता है कि वो फिर वो गिर करके मर जाता है ढूंढते ढूंढते उसको। तो ये जो है फ्रायड ने बताया था। और ये स्वप्रेम की भावना जो होती है वो शैशवावस्था के बच्चों में बहुत प्रबल होती है। अगला पॉइंट आपका है वो है संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन, शैशवावस्था का बच्चा जो होता है वो अपने संवेगों का प्रदर्शन बार बार करता है। तुरंत रोना, तुरंत गाना, तुरंत जो है चिल्लाना, तुरंत क्रोध प्रकट करना, इसके पीछे मेन कारण ये होता है कि उसका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए वो जो है अपना संवेग जो है वो बार बार प्रकट करता है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उसमें जो है प्रेम, ईर्ष्या इत्यादि की भावना का विकास हो जाता है। जैसे आप उसको ये देखें कि जैसे आप उसकी माताजी के पास जाते हैं और आप ये कहते हैं कि ये मेरी मम्मी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके मम्मी को रखवाली करने बैठ जाता है, कोई दूसरा ना लेके चला जाए, बहुत दिक्कत होता है। शैशवावस्था का बच्चा तो आधा परेशानी तो घर वाले क्रिएट किए रहते हैं, उसको परेशान कर देते हैं बच्चे को। अगला पॉइंट है आपका कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति, इस अवस्था में आकर के कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। और अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो सोते समय अमूमन मुस्कुराते हैं, अजीब सा चेहरा बनाते हैं,
कहने का मतलब है कि वो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हालांकि भगवान खाली नहीं है कि वो हंसाने रुलाने आएंगे, वो उनका अपना काम है, उन्होंने कर दिया, बाकी ये बच्चा अपना जो है वो कल्पना शक्ति से कर रहा है। अगला पॉइंट आपका है नैतिक भावना का अभाव। नैतिक भावना का अभाव, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस अवस्था में आकर के बच्चा, उसको नैतिकता उतिकता से बहुत मतलब नहीं होती। उसका अपना खिलौना है, उसके अपने मम्मी पापा हैं, वो बहुत अच्छा बुरा उचित अनुचित नहीं करता। उसको जो अच्छा लगता है वही करता है। वो बड़े आए पैर छुए बहुत ज़रूरी नहीं है, उसका मूड है तो छुएगा नहीं है तो आप जाइए अपना जो होगा, इस तरीके से होता है। अगला पॉइंट आपका है काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल बिहेवियर, काम प्रवृत्ति। शैशवावस्था के बच्चों में, मनोविश्लेषणवादियों में, खास करके फ्रायड ने बताया कि काम प्रवृत्ति की भावना होती है। बच्चा इस काम प्रवृत्ति की संतुष्टि जो ऐसी है, वो जब हम लोग व्यक्तित्व पढ़ेंगे, व्यक्तित्व में लिबिडो पढ़ेंगे, तो उसमें उन्होंने 5 स्टेप बताया कि अंगूठा चूस करके, उसके बाद जो है कि अपने अंगों को काट करके, छू करके, या फिर होता ना कि अपने मलमूत्र को रोक करके, वो जो है इस काम प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। और आपने वो पढ़ा होगा, इसी में बताया वो फ्रायड ने कि 2 ग्रंथियां होती हैं, एक ऑडिपस होती हैं और दूसरी ग्रंथि जो होती है वो इलेक्ट्रा होती है। इन दोनों ग्रंथियों से क्या होता है कि ऑडिपस ग्रंथियों से लड़के का झुकाव माँ की तरफ और लड़कियों का झुकाव जो है वो पिता की तरफ होता है। अमूमन ऐसा होता है, बच्चे जो है अपनी माँ के ज़्यादा निकट होते हैं, बच्चियाँ जो है अपने पिता के निकट होती हैं। तो फ्रायड ने बताया कि इसके लिए 2 ग्रंथियाँ जिम्मेदार हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। उसके बाद आपका है सामाजिक भावना का विकास। किस शैशवावस्था का बच्चा, अभी हमने आपको बताया कि नैतिक नहीं होता है, और जब नैतिक नहीं होगा तो उसमें बहुत सामाजिकता का विकास नहीं होगा, इसलिए शुरुआती अवस्था में सामाजिकता का अभाव होता है। लेकिन तकरीबन 4-5 वर्षों के बाद वो जो है अपने भाइयों की बहुत रखवाली करना, अपना खिलौना शेयर करना शुरू करता है। हालांकि इससे पहले वो अपना खिलौना नहीं शेयर करता, वो अपना बैट लेगा, अपना बाल रखेगा, वही अपने बैट बाल से अकेले खेलेगा। लेकिन 4-5 वर्षों के बाद जाकर के वो बाल आपको देता है, बैट से वो जो है स्वयं खेलना शुरू करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शैशवावस्था में शिक्षा की, शैशवावस्था में शिक्षा, दूसरा पॉइंट, शैशवावस्था में शिक्षा देने में जो सबसे पहला हम महत्वपूर्ण काम करते हैं, सबसे पहले कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, सबसे पहले उसको उचित वातावरण देते हैं। ऐसा नहीं है शैशवावस्था का बच्चा हुआ तुरंत निकालो एडमिशन कराओ, ऐसा कुछ नहीं है, पहले घर पे तैयार करते हैं। आपने सुना होगा ना, माँ जो होती है वो पहला टीचर होता है, घर जो होता है वो पहला विद्यालय होता है। और हमारे यहाँ यही दिक्कत है कि हमने सारी एजुकेशन व्यवस्था जो है स्कूल पर छोड़ दी है, घर पर सिखाने का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। उचित वातावरण, उचित वातावरण से तात्पर्य यह है कि बच्चे को खुली जगह दिया जाए, शुद्ध हो, प्रकाश हो, सामाजिक हो, वहाँ अच्छे लोग हो, झगड़ा ना हो, आपस में कलह ना हो। क्योंकि हमने भी कल बताया था संभवतः कि अगर घर में कलह होती है तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। किसी ने बताया कि जितना एक युद्ध में एक सैनिक पर प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क पर,
उतना जो है कि अगर माँ बाप लड़ाई करें तो उतना बच्चे भी पढ़ता है, और ऐसी स्थिति में हम उसका समुचित विकास नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट जो आपका है वो है जिज्ञासा, अभी हमने आपको बताया था ना कि वो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, तो दूसरा पॉइंट हम शिक्षा में क्या करेंगे, उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करेंगे, जिज्ञासा की संतुष्टि। बच्चा बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, उसके हर प्रश्न का आप जो है वो सोच करके और बहुत कोमल भाव में जो है आप जवाब दें। डांटना नहीं है, मारना नहीं है, झिड़कना नहीं है, बाद में बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्यों पूछते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है। वो कुछ भी पूछे, उसका हक बनता है, वो समाज में आया हुआ नन्हा वो है नया मेहमान है आपका। आप देखिए कि मेहमान आता है हमारे यहाँ, टहलता घूमता है तो वो पूछता है ये क्या है वो क्या है, हम बड़े आदर से बताते हैं। बच्चा भी आया है, अभी अभी आया है, तो वो भी जितना प्रश्न आपसे करता है, जो कुछ पूछता है, आप उसका सही और समुचित उत्तर दें। बहकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे ही आपने बच्चे को बहकाया वो जो है वो तुरंत वो किसी और से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देगा। आजकल गूगल है ये, तो गूगल पे खोजेगा। आप ध्यान दीजिए, जब गूगल पे खोजेगा तो एक बार डालेगा कई साइट खुलेंगे, कौन सी साइट देखेगा बच्चा, कौन सी गारंटी। अगला पॉइंट जो आपका है वो है मानसिक क्रियाओं का अवसर। आपने हमें बताया ना कि बहुत तेज़ी से मानसिक उसका विकास होता है, तो ऐसी स्थिति देखिए, जो शिक्षा देने की जहाँ तक बात है, शैशवावस्था के बच्चों की या बाल्यावस्था किशोरावस्था के बच्चों की जो जो विशेषता है उसी को हमको प्रमोट करना है। विवेकानंद जी ने कहा ना कि अंतर शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण करना ही शिक्षा है, पढ़ा हो तो वो जो है अंतर शक्तियाँ, ये थोड़ी उसका निकाल के किडनी बाहर उसको जो है बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अंतर उसकी शक्तियाँ वही हैं, वो जो पूछ रहा है, वो जो जानना चाहता है, वो जो बनना चाहता है, तो ऐसी प्रश्नों में जब वो करेगा तभी आप ये अंदाज़ा लगाएंगे ना कि ये किस तरफ जाना चाहता है। तो मानसिक क्रियाओं का अवसर, मानसिक क्रियाओं के अवसर में हम उसको खेलने के लिए छोड़ देते हैं, कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनते हैं उससे, तमाम कोशिश करते हैं, उसके बाद वो पजल आता है, पजल दे देते हैं, वो बिजी रहता है। जितना ज़्यादा बिजी रहेगा उतना ज़्यादा मानसिक कार्य करेगा, जितना ज़्यादा वो मानसिक कार्य करेगा उतना ज़्यादा उसकी मानसिकता का विकास होता है। अगला पॉइंट जो आपका है वो है व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान। हमारा हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हर बच्चा जो है अपनी विशिष्ट योग्यताओं के साथ उत्पन्न होता है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ये नहीं है पड़ोसी का बच्चा दौड़ रहा है, तुम कहें पेंटिंग बना रहे हो, तुम भी दौड़ो। आपने देखा होगा ना, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट छोड़ करके कुछ और काम करता तो इतना हम लोग जानते हैं उसको, या लता मंगेशकर गाना ना गा करके क्रिकेट खेलना शुरू करती तो पता चलता कि है भी कि नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएँ अलग हैं, वो उसके हम के लिए नहीं बने, जो वो कर रहे हैं उस जो काम के लिए हम बने वही काम करेंगे, तभी हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ के हम योग्य हैं। अगला पॉइंट जो आपका है वो है करके सीखने पर बल। करके सीखने पर बल, ध्यान दीजिए कि जिसे अधिगम जब हम लोग पढ़ेंगे तो हाँ हम लोग ये जानेंगे कि सीखने की प्रक्रिया में हम लोग जितने अधिक इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं अधिगम उतना जो है जल्दी और अस्थाई होता है। तो बालक जब करके सीखना शुरू करता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ दोनों का वो समुचित उपयोग करता है, इसीलिए जो है उसको पूरा पूरा जो है उसको इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए जाएँ, वो जहाँ जा रहा है खेल रहा है खेलने के लिए व्यवस्था की जाए, वो जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा, उतना ज़्यादा उसको याद होगा, वो अलग से उसको रटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आज बहुत दिक्कत है। अगला पॉइंट है आपका अच्छी आदतों का निर्माण। अच्छी आदतों का निर्माण, देखिए अच्छी आदतों के निर्माण से तात्पर्य है कि बच्चा सुबह उठे, अपना ब्रश मंजन करे, अपना दैनिक कार्य स्वयं करे। उसको देखिए, वो कहा जाता है ना कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है,
आप खुद 8 बजे उठ करके ये उम्मीद नहीं रख सकते कि बच्चा 5 बजे उठे 6 बजे उठे। उसके लिए आप, क्योंकि हमने बताया ना उसको दोहराने की प्रवृत्ति होती है, वो देखेगा तुरंत दोहराएगा। घर में सब 5 बजे उठते हैं वो भी 5 बजे उठेगा, घर में सब 4 बजे उठते हैं वो भी 4 बजे उठेगा। लेकिन जैसे आप ज़बरदस्ती उसके साथ करते हैं तो ये जान लीजिए कि समुचित विकास तो नहीं होगा। कम से कम हो सकता है कि किशोरावस्था में ये बच्चा यहाँ कुंठित हो, किशोरावस्था में जाके बगावत कर दे। आप लोग 9 बजे तक सोते हैं, वो 12 बजे उठे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है ऐसा। अगला पॉइंट जो आपका है वो है स्नेहपूर्ण व्यवहार। स्नेहपूर्ण व्यवहार नोट कर लीजिए। बहुत ज्यादा पॉइंट हो रहा है क्या? इसको अगर आप याद रखेंगे तो कम से कम सीटेट में आपको आसानी होगी कि क्या करना है ऐसा अवस्था के बच्चों के साथ। तो स्नेहपूर्ण व्यवहार से तात्पर्य है, हमने आपको बताया बच्चा बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, खिझना नहीं है आपको, आपको वही अपना उदारता बनाए रखना है, कोमल होकर के, शांत होकर के, अच्छे शब्दों में, समुचित शब्दों में जो है उसके हर प्रश्नों का उत्तर दें। झलझलाना नहीं है, डांटना नहीं है, मारना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ये काम करते हैं उसके सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। आप जैसे देखिए कभी हम लोग बैठे रहें, कोई पीछे से आए एकाएक जोर से चिल्ला दे तो थोड़ी देर के लिए हम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो स्थिर हो जाता है हमारा दिमाग। तो सहसा अवस्था का बच्चे का जो दिमाग होता है बड़ा कोमल होता है, जैसे ही हम डांटते हैं उसके सेंस ऑर्गन बंद, थोड़ी देर के लिए बंद। बहुत ज़्यादा अगर आप डांटते मारते हैं हो सकता है बच्चे जो है दब्बू निकल जाए, हो सकता है कि उसकी आत्मव्यक्ति में जो है दिक्कत आ जाए, उसका भाषा विकास ना हो, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। अगला पॉइंट जो आपका है वो है वार्तालाप के अवसर। वार्तालाप के अवसर, शैशवावस्था के बच्चे के साथ आप बात करिए, जितना ज़्यादा आप बात करेंगे उसको वो अपने आप को वो आपको समझाता रहेगा। आप ये जान पाएंगे कि बच्चे को जो है इस समय किसकी ज़रूरत है, या बच्चे का रुझान किस तरीके से है, या बच्चा इस समय क्या सोच रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है, क्या देख करके आया है, ये आप तुरंत जानकारी पा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वार्तालाप के समय आप ही उसको मत सुनाइए, बहुत ध्यान से और उसकी बात को सुनिए। कम से कम बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि वो जो बता रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और आप उसको बहुत सुनिए चाहे ना सुनिए वो दूसरी बात है, लेकिन बच्चे को लगना ज़रूर चाहिए कि आप उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि कभी कभी बच्चा ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है कि वो कोई मतलब उसका रहता नहीं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसको लगेगा कि नहीं हमने कोई नई सूचना लेकर आया, वो बराबर जो है नई सूचना के जो है प्रेरित होता रहेगा। अगला पॉइंट जो है आपका वो है आत्म प्रदर्शन का अवसर। आत्म प्रदर्शन का अवसर, आत्म प्रदर्शन के अवसर का मतलब यह है कि बच्चे को पूरी छूट दी जाए, बच्चा क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। जैसे उसको आप शिल्प दिखा सिखा सकते हैं, कला सिखा सकते हैं, नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, खेल में भाग, करने का मतलब है बच्चा अपने आप को जहां वो दिखाना चाहे, प्रदर्शन करना चाहे, आप उसमें कोई रुकावट मत करिए बल्कि उसको प्रमोट करिए, उसको हर तरीके का अवसर दें। और एक है आपका वो भाषा विकास। भाषा विकास ऐसी अवस्था में आकर के हमने आपको बताया कि 3 साल तक तो वो बोलता ही नहीं है या बहुत टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल करता है। 3 के बाद जो अवस्था शुरू होती है तकरीबन 4, 5, 6 वाली, इसमें हम बच्चे को पहली बात तो ये है कि लगातार वार्तालाप के अवसर दें। बच्चे से बात करेंगे तो बच्चा नए शब्दों से परिचित होगा। अगर बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ रहा है उसको कहानी आप सुनाएं, कविता सुनाएं, अगर पढ़ रहा है वो छोटी नंदन वंदन ला करके दें, जिससे बच्चा पढ़े जो है, जितना ज़्यादा पढ़ेगा नए शब्दों से परिचित होगा, उसका भाषा विकास समुचित रूप से होता रहेगा। बस इतना बहुत है और धन्यवाद।